12 जवान बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बम ऐसे गिरे, किसी के हाथ कहीं चला गया, टांग चली गई, हथियार चला गया। आर्मी ऑफिसर की जो नियम होती है, लाइफ होती है, वो आम सिविलियन से कैसे अलग हो? डिसिप्लिन। एक सैनिक ना जब युद्ध के लिए उसको भेजा जाता है या जाता है वो, तो उसके दिल में क्या ऐसी बात होती है युद्ध के समय? देश के लिए अगर मुझे सर्वोच्च बलिदान भी अपने जीवन का करना पड़े तो मैं उसको करूंगा। 22 दिन मुझे तोरोलिंग की लड़ाई में लगे। जब आपका आर्मी का दौर रहा है उसमें फैसिलिटी होती तो क्या लगता है आपको कि और भी ज्यादा अच्छा होता? आज टेक्नोलॉजी में आपके पास जो वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया है, साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, आज तो बहुत कुछ है। कभी आपको दिल में ऐसा हुआ शायद अब हो सकता है ये मेरा लास्ट हो? 233 भारतीय जो बंदी बनाए गए थे वहाँ जंगलों में, उनको छुड़ा कर लाया। कोई वॉर में है कोई सैनिक और उसके घर पर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस तक बात पहुंचाने का क्या प्रोटोकॉल रहता है? उसकी बॉडी जो थी क्रेवेसिस में नीचे बर्फ में नीचे नाले में चली गई, कोई 700-800 मीटर नीचे। कोई अगर युद्ध आपने जीत लिया तो उसमें पहली खुशी आपको क्या होती है? युद्ध के जीतने की खुशी या अपने साथियों को खोने का गम? इसके बराबर दुख ही नहीं हो सकता। और रोटियां जो थी वो बोरियों में आती थी। अच्छा, वो 4-5 दिन वही रोटियां खाते रहो। कर्नल विश्वनाथन जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे पूरी कारगिल की लड़ाई में, सबसे सीनियर मोस्ट थे और बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, जो हैंडसेट था वो गिरा उनके हाथ से और इतना ही बोला ओ माँ करके, और उन्होंने वही जो है मेरी गोद में प्राण त्याग गया। मेरे घर वाले ने यह कहा था कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो उसको हम सेना में जरूर भेजेंगे। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक के एक और जबरदस्त एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे हिमाचल के कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर जी। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और खुशाल ठाकुर जी का उस युद्ध में और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज की जो पॉडकास्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है, क्योंकि यूजुअली हम वॉर टीवी पर देखते हैं या सुनते हैं, लेकिन असली वॉर में क्या होता है और एक आर्मी ऑफिसर की क्या कहानी होती है, ये आपको आज ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर जी के द्वारा सुनने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। सर नमस्कार, पहले तो नमस्कार, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका हमारे शो में, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सर बड़े पहले से ही ये तमन्ना थी कि एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ टीवी वाले और हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जो लाइव वहाँ पर होता है ना सर, वो तो वो ही जानते हैं। तो आज मेरा बड़ा इच्छा थी पहले से भी कि मैं आपसे बात करूं, चीज़ें जानूं कि कैसे क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सर, और आपने जो योगदान दिया है हमारे भारत देश के लिए उसके लिए भी आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये कि जैसे एक आर्मी ऑफिसर की जो लाइफ होती है, जब जब भी कहीं नियमों की बात आती है तो सबसे पहले आर्मी ऑफिसर का नाम लिया जाता है, तो आर्मी ऑफिसर की जो नियम होती है लाइफ होती है वो आम सिविलियन से कैसे अलग होती है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरीके से एक सैनिक मैं कहूँगा, आर्मी ऑफिसर तो नहीं, एक सैनिक का जो जीवन है और एक जो आम नागरिक है उसका जो जीवन है जी, दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि जो इसकी बेडरॉक है, जो सबसे मूल आधार है, वो है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन। जी जी जी, क्योंकि वैसे तो अनुशासन हर एक नागरिक के लिए और हर एक संस्था के लिए ज़रूरी है, लेकिन सेना के लिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण और अति विशेष ज़रूरी है। जी जी, और आप देखिए कि जो फौजी का जो रोल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है बाकियों से। जी जी, अगर मैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो आज देश की रक्षा सुरक्षा की जो अहम जिम्मेवारी है और आंतरिक दृष्टि से भी शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी है, वो एक सैनिक की है, सेना की है। बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो अनुशासन है, ये जो कड़ी है, वो सुदृढ़ हो। और जहाँ तक आप देखिए, ये एक नौकरी पेशा नहीं है, एक जुनून है और एक जोश है, एक जज्बा है, क्योंकि ये 8 घंटे की नौकरी नहीं है, ये 24/7 की नौकरी है। और आप जानते हैं कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं मुश्किल इलाके हैं, और घर में जो एक सिविलियन है या नागरिक है वो अपने बच्चों के कभी बर्थडे मना सकता है, उनके एनुअल डे फंक्शन में जा सकता है, होली मना सकता है, दिवाली मना सकता है, क्रिसमस मना सकता है या दूसरे जो भी फेस्टिवल्स हैं मना सकते हैं। और एक सैनिक है वो तो बॉर्डर पे, वहाँ अगर वो डटा है तो डटा है, क्योंकि इसलिए वो अलग भिन्न है। और इस तरह जो कुछ एक कायदे कानून है
या जैसे कि हुक्म का मानना है जी, तो सेना में हुक्म की जो है ना, हुक्म के जो डिसोबीडेंस है या हुक्म को ना मानना, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें शुरू में ही एक सैनिक कसम खाता है कि जिस भी जगह उसको सेवा करने का मौका मिले, चाहे वो आकाश है, चाहे धरती है, चाहे पताल है, जो नेवी है, वहाँ उसमें वो जाएगा, वो क्योंकि वो उसने उस तिरंगे के सामने कसम खाई होती है। तो इस तरह से जो एक सैनिक है उसके जो जीवन है आम नागरिक से बहुत भिन्न है। उसके मैंने बताया उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, और इसी तरह जो उसकी ट्रेनिंग है और जो रूटीन है वो भी डिफरेंट है, और उसको एक अच्छा बेहतर इंसान तो बनाती ही बनाती है और एक अच्छा सैनिक भी बनाती है। मैं तो देश के बाहर भी मैंने बहुत सर्विस की है, और मैंने देखा है कि हिंदुस्तान की जो सेना है और सैनिक है आज पूरे विश्व में ये नंबर वन है। क्या बात है, वो सिर्फ इसी वजह से। अगर भारतीय सेना आप देखिए, जितने भी युद्ध हमने आज तक हुए हैं, चाहे कारगिल का युद्ध है उसमें विजय हासिल की है, तो यही है कि एक डिसिप्लिन जो अनुशासन जो उसमें कूट कूट के भरा होता है वो उसके कहीं ना कहीं आधार में है, फाउंडेशन में है। बिल्कुल सर, बहुत, और ये आम लोगों के लिए सुनना बड़ा आसान होता है कि वहाँ पर गए, युद्ध करके जीत के आ गए, लेकिन जो सैनिक वहाँ पर होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर लड़ाई करते हैं, जीतते हैं, वो उन पर ही वो ही समझ सकते हैं। तो सर इसमें मेरे एक और भी सवाल था, जैसे एक सैनिक ना जब युद्ध के लिए उसको भेजा जाता है या जाता है वो, तो उसके दिल में क्या ऐसी बात होती है युद्ध के समय, या उसका माइंडसेट क्या होता है ऐसा कि मुझे अगर मुझे भेजा गया तो मैं इस तरीके से करके आऊँगा, या माइंडसेट क्या रहता है सैनिक का उस समय? नहीं देखिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हम कुछ एक चीज़ें सिखाते हैं उसको, जैसे हम कहते हैं नाम नमक निशान, कि भाई आपका नाम, आपके गाँव का नाम, आपके रेजिमेंट का नाम, नमक जिस देश का आप नमक खाते हैं, जिस रेजिमेंट का आप नमक खाते हैं, निशान जो आपके रेजिमेंट का झंडा है और आपका तिरंगा झंडा है जी जी, उस तरह से उनकी एक मोटिवेशन की जाती है। और ये भारतीय सेना का ही सैनिक है कि जो वो तिरंगे के सामने एक कसम खाता है कि देश के लिए अगर मुझे सर्वोच्च बलिदान भी अपने जीवन का करना पड़े तो मैं उसको करूँगा, हंसते हंसते करूँगा। और आप देखिए एक जो ब्लैंक चेक है वो देश के नाम वो साइन करके चला जाता है कि जब भी मेरे मातृभूमि को जब ज़रूरत होगी और मैं अपने जीवन देने से नहीं हिचकिचाऊँगा, और मुझे खुशी है बताते हुए कि उसको वो हमेशा निभाता है। बिल्कुल सर, जहाँ तक उसके मन में जब वो लड़ाई में जाता है तो क्या सवाल होता है, उसके मन में क्या चल रहा होता है, उसके मन में यही चल रहा, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भले ही उसमें एक डर ज़रूर होता है और एक थोड़ा सा भय ज़रूर होता है, लेकिन मैंने कहा कि जो टास्क उसको दिया जाता है और जो सिखलाई में दिया जाता है कि जो टास्क है, और ये मौका हर रोज़ नहीं मिलता, आज तुम्हें ये जो टास्क है देश के लिए जो करने के लिए जिसके लिए आप सेना में भर्ती हुए हैं वो आज आप पूरा करोगे, और उसे ये भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि अगर कुछ उसे होता है तो उसके जो देशवासी हैं और देश है उसके परिवार का ध्यान रखेगा और उनका ख्याल रखेगा, उसके ना होने विश्वास के साथ जी जी जी। वो ये मन में उसके ये भाव आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाव आता है कि जो उसकी रेजिमेंट है और किस तरह से उस रेजिमेंट ने पिछले युद्धों में किया, जैसे मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट से हूँ जी जी। तो हम सबसे पहले उस रेजिमेंट का इतिहास उसको बताते हैं कि किस तरह से जो आपके पूर्वज रहे हैं उन्होंने कितने वीरता पुरस्कार जीते हैं, किन किन लड़ाइयों में बैटल ऑनर्स लिए हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, और किस तरह से अपने शौर्य पराक्रम और बलिदान का जो एक एग्जाम्पल सेट किया है, और आप उसकी विरासत है, आपने उस विरासत को आपने कायम रखना है जी जी। और ये दबाव उसके मन में काफ़ी होता है कि मैं अगर वापस जाऊँ तो मुझे कोई ये ना कह पाए कि इसने जो है लड़ाई में पीठ दिखाई या नहीं की, इसलिए वो एक ही कसम खाता है, या तो मैं विजय हासिल करूँगा या वीरगति को प्राप्त होता हूँ, और वो हमेशा आपने देखना कि विजय हासिल करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर जब ये कारगिल का युद्ध जब छिड़ा था तो उस समय बता दीजिए आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी और आपको किस तरीके से इसका पता लगा था? देखिए कारगिल युद्ध 25 साल पहले हुआ था और आज पूरा भारतवर्ष इस साल जो है 25 साल की रजत जयंती मनाने जा रहा है, और पूरे देश में बड़ा उत्साह है और बड़ा जुनून है, और पूरा इसको बहुत पूरे देश भर में मना रहे हैं।
और जब ये कारगिल का युद्ध हुआ तो मैं काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर में वैली में था, कश्मीर में था, जो आतंकवाद के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ रहा था, और मेरी यूनिट वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से लड़ाई लड़ रही थी। और सबसे पहले रेडियो में भी ये खबर आनी शुरू हो गई और हायर हेडक्वार्टर द्वारा भी ये बताया गया है कि जो द्रास और कारगिल बटाली का इलाका है यहाँ पर कुछ एक मुजाहिदीन जो है, शुरू में यही बोला गया है कि ये रेगुलर्स नहीं हैं, ये मुजाहिदीन हैं, मतलब कि आप उन्होंने जो इंट्रूडर्स हैं जिन्होंने इंट्रूजन की है, और ये रेगुलर्स नहीं हैं, सेना के लोग नहीं हैं, और जिन्होंने हमारी सेना जो हमारी चौकियाँ जिनको हम सर्दियों में खाली करते थे उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया है। तो मैं सबसे नज़दीक था उस समय, उसमें मानस वाली एक जगह है श्रीनगर के पास, और हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे थे, और सबसे पहले मुझे ही हुक्म मिला कि आप द्रास में जो है, ये बात है 16 मई 1999 की, और कि आप जल्दी से जल्दी द्रास के इलाके में पहुँच जाएँ। तो उस समय इतनी ही खबर थी, तो हमने 18 को वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो देखे कि दुश्मन की आर्टिलरी फायर जो है वो द्रास का जो एक छोटा सा कस्बा है उसके ऊपर भारी मात्रा में आ रही थी, और जो आपका ये नेशनल हाईवे है जो आपका श्रीनगर से जोजिला पास द्रास और कारगिल होता हुआ ले जाता था, तो ये जो ट्रांसपोर्ट थी, चाहे वो आर्मी की ट्रांसपोर्ट थी या सिविलियन की ट्रांसपोर्ट थी, ये पूरी बाधित हो चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी द्रास में, खास करके तोलोलिंग की पहाड़ी और टाइगर हिल की पहाड़ी, उसमें दुश्मन ने ये धोखेबाजी से वहाँ पे मोर्चाबंदी कर दी थी। जी जी जी। और ऐसी हालात में जो है मुझे श्रीनगर से ये हुक्म मिले, और बाद में पता चला कि जैसे धीरे धीरे करके बाद में पता चला, जब तोलोलिंग की लड़ाई जो मेन बैटल हुई जी जी। उसके बाद पता चला कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये पाकिस्तान की रेगुलर फोर्सेज जो हैं जिन्होंने वहाँ पे कब्जा किया हुआ। क्योंकि सर ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो आपने तोलोलिंग और टाइगर हिल की बात बताई उसमें दुश्मन इतनी ऊंचाई पर था कि वो आती जाती गाड़ियों को तक गिन सकता था, तो कितना मुश्किल रहा होगा उस समय। देखिए तोलोलिंग और टाइगर हिल की पहाड़ियां अगर आपने टेलीविजन के माध्यम से या देखी होंगी, आप देखिए तोलोलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 15,000 से 16,000 फीट के ऊपर की पहाड़ी है, अगर मैं टाइगर हिल की बात करूं तो ये 16,000 से 17,000 फीट के बीच में, और सबसे ऊंची चोटी उस इलाके में है। जी जी जी। और दुश्मन ने इसके ऊपर भारी मोर्चाबंदी की हुई थी, और बाय ऑब्जर्वेशन और बाय फायर जो रोड था, जो मेन रोड था, जो आर्टरी थी, लाइफ लाइन थी ले की, उसके ऊपर जो है उसको पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था, बाधित किया हुआ था। एक्चुअली उसका मकसद ये था कि जो ले में हमारे ट्रूप्स हैं या सियाचिन में हमारे ट्रूप्स हैं उनको अलग थलग किया जा सके, ताकि वहाँ तक वो सप्लाई ना पहुँच सके। okay. और जो हमने सियाचिन में जो उनका कब्जा किया था, उनकी जो ली थी सियाचिन की चोटियाँ, ये उसका भी एक बदला था, और किसी तरह तरह से उसका मकसद था कि जो ये आतंकवाद की जो लड़ाई है पीओ के, ये जो है कश्मीर का जो मामला है उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए। जी जी। और फिर जहाँ तक तोलोलिंग की बात है, इस लड़ाई में आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम 9,000 फीट से ऊपर जाते हैं तो हमको एक्लामेटाइज करना पड़ता है 7 दिन का, और इसमें ना एक्लामेटाइजेशन का आपको समय मिला, ना आपके पास दुश्मन के बारे में पूरी खबर थी यही कि 5-6 मुजाहिदीन हैं, ना आपके पास आर्टिलरी थी, ना आपके पास क्लोथिंग थे उस लड़ने के लिए, और 22 दिन मुझे तोलोलिंग की लड़ाई में लगे। और दूसरी तरफ जब टाइगर हिल की लड़ाई हुई है, जब हमने देखा कि ये सचमुच में उनकी रेगुलर्स हैं और वहाँ पे भी कंपनी स्ट्रेंथ है और तोलोलिंग में भी कंपनी स्ट्रेंथ है, तो उस समय मेरे पास सारी चीज़ें थी टाइगर हिल की लड़ाई में। मेरे पास 120 आर्टिलरी की गन्स थी, मल्टी जो बैरल रॉकेट लॉन्चर्स वो थे, इंजीनियर्स थे, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम थी, और लॉजिस्टिक बिल्डअप प्रेपरेशन के लिए, रिकॉनिसेंस करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूरा समय था। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरी कमान में 18 ग्रेनेडियर्स को जो महत्वपूर्ण चोटियां थी सामरिक दृष्टि से इस पूरे कारगिल के युद्ध में द्रास के क्षेत्र में, उन दोनों चोटियों की लड़ाई में मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स मेरे नेतृत्व में, मेरे कमान में, उसमें लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला। आपको लगता है सर कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, और उस समय देखो इतनी कम टेक्नोलॉजी में चीज़ें आपको मिलती थी, और इतना फोन्स, और जो आजकल देखो ना कितना तामझाम हो गया, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी,
होती है। तो आपको लगता है कि अगर उस समय कुछ और फैसिलिटीज होती है आपके दौर में, जब आपका आर्मी का दौर रहा है उसमें फैसिलिटी होती, तो क्या लगता है आपको कि और भी ज़्यादा अच्छा होता या कुछ बेनिफिट? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि 25 साल हो गए हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है। जी जी। और अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि बहुत अंतर होता अगर आज की टेक्नोलॉजी उस समय में होती, क्योंकि उस तरह जो हमने जवान खोए 527 रणवांकुरे वीर योद्धा इस लड़ाई में जिन्होंने प्राण की आहुति दी, और 34 जवान, 2 ऑफिसर, 2 जेसीओ और 31 जवान मेरे यूनिट के जो इसमें शहीद हुए, कर्नल आर विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, तो शायद वो ना होते। और क्योंकि मेन लड़ाई में होता है कि बैटल सर्वेलेंस, कि दुश्मन की हम किस तरह से सर्वेलेंस करें और उसके बाद उसकी जो रिकॉग्निसेंस है इलाके की वो किस तरह करें, तो उस तरह से जो इक्विपमेंट थे उस हिसाब से नहीं थे। और जब आज आप देखोगे कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, आपके पास ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन से आप बिल्कुल लगातार कंटिन्यूसली उनके ऊपर नज़र रख सकते हो, उनके ऊपर प्रसीजन बॉम्बिंग आप कर सकते हो, और इसी तरह जो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट होते हैं UAV जिनको व्हीकल्स जिनको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आज हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी में आपके पास जो वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया है, साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, आज तो बहुत कुछ है, और उस समय उतना हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं थे। तो इसलिए आज किसी भी हालात में पाकिस्तान दोबारा इस तरह की घटना करने का साहस नहीं कर सकता है। और काश कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं या जो हमारा नुकसान हुआ है, शायद वो उतना ना हो पाता। पर सर फिर भी हमारा सभी देशवासियों का तो सलाम है कि उस समय भी इतनी कम हमारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम जीते, और आप सभी ने इतना कुछ देखा, इतने कुछ लॉसेस देखे, हमारे जवान शहीद भी हुए, तो ये सारा एक काबिले तारीफ है और हम सब की तरफ से तो एक सलाम है इंडियन आर्मी के लिए। तो सर एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी जब ऐसी वॉर होती है या कोई भी कारगिल या कारगिल के अलावा भी कोई भी जैसा युद्ध हुआ हो, कभी आपको दिल में ऐसा हुआ था कि शायद अब हो सकता है ये मेरा लास्ट हो, या मैं शायद अब वीरगति को प्राप्त भी हो सकता हूँ, या ये मेरा लास्ट भी हो सकता है, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया था कभी कहानी में? अनेकों मोमेंट आए, बहुत मोमेंट आए। प्लीज सर, मैंने एक मेजर के तौर पे, कंपनी कमांडर के तौर पे, आपने देखा होगा श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको, राजीव गांधी जी, उनको वहाँ पे उसके बाद उनको शहीद भी किया गया था, और वहाँ पे जो लिटे थे, जो लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम जिनको बोलते थे, बहुत मुश्किल लड़ाई थी, तो वहाँ पर भी मैंने LTT के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी, और कई बार अम्बुश हुए और उसमें बचे, और उसके बाद जो ये कारगिल की लड़ाई हुई, इसमें कई ऐसे मौके आए, क्योंकि 22 दिन तो तोलोलिंग का युद्ध रहा। जी जी जी। और कम से कम एक हफ्ता जो है टाइगर हिल का युद्ध रहा, और आप देखिए वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो तो आप ऊपर पहाड़ है, दिन का छुपने के लिए नहीं है, और दिन को हमले नहीं हो सकते क्योंकि स्नाइपर राइफल है। और मैं स्नाइपर राइफल की बात करूं कि एक बार मेरा जो नायक था वीरेंद्र कुमार और कर्नल विश्वनाथन एक साइड में खड़े थे, मैं एक साइड में खड़े थे जहां से दुश्मन का फायर आ रहा था, तो हम उसको देख रहे थे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक स्नाइपर का फायर आया और वीरेंद्र के जो है माथे पे लग के वो बिल्कुल एकदम गिरा, यही गोली आपको भी लग सकती थी। और एक घटना, ये बात है, इस तरह बहुत घटना है, ये बात है 2 और 3 जून 1999 की, जब मैं और कर्नल विश्वनाथन हमले में थे, और उससे पहले मेजर राजेश अधिकारी शहीद हो चुके थे तोलोलिंग टॉप के ऊपर, लेकिन उनकी जो बॉडी थी वो वहाँ पर फंसी हुई थी। तो जब हम हमले में थे तो जैसे ही हम राजेश अधिकारी की बॉडी के पास पहुँचे तो दुश्मन ने भारी फायर जो है बिल्कुल हमारे ऊपर खोल दिया चारों तरफ से, और हमको क्रॉल करना पड़ा वहाँ पे, क्रॉलिंग हमने जमे, तो मैंने देखा जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था पीछे लांस हवलदार राम कुमार, तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं क्रॉलिंग करता, देखा उसको गोली लगी हुई थी, वो शहीद हो चुका था। मेरे आगे एक सूबेदार रणधीर था जो बहुत बढ़िया JCO था, मैंने कहा साहब आप क्यों नहीं चल रहे, आप इतना करके आप मूव करिए आगे कर, तो देखा उसको भी गोली लग चुकी थी। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब वो है, बल्कि 13 और 14 की रात को
हम के ऊपर हमले में जा रहे थे तोलोलिंग में, और बिल्कुल दो कंपनियां हमने तैयार कर दी थी हमले की। अब दुश्मन ऊपर 0.5140 पे देख रहा था और बहुत जोरों से उसने आर्टिलरी फायर हमारे ऊपर गिराया। मेरे सामने 12 जवान बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बम ऐसे गिरे, शहीद हो गए। किसी के हाथ कहीं चला गया, टांग चली गई, हथियार चला गया। मुझे वो हमला 1 घंटा लेट करना पड़ा, और एक कंपनी जो है 8-8 जवान एक एक इंजर्ड आदमी को पीछे ले जाने के लिए लाने पड़े। और उसके बाद भी 1 घंटे के बाद एक कंपनी के बाद हम हमले में गए और विजय हासिल किए। क्या बात है। तो इस तरह के मैंने बताया, चाहे श्रीलंका में हों, चाहे हम ये CIA आतंकवाद के विरुद्ध वैली में हों, या कारगिल की लड़ाई में हों, या मैं ऑपरेशन खुखरी मैंने बाहर देश के बाहर ऑपरेशन किया, 233 भारतीय जो बंदी बनाए गए थे वहाँ जंगलों में उनको छुड़ा कर लाया। तो इस तरह से बहुत मौके हैं जहाँ मतलब क्या बोले, बाल बाल बचे हैं। और आभारी है उस प्रभु का कि आपसे आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो मेरे परिवार के लोग थे वो शहीद हो गए। तो इसलिए कोई पल का नहीं पता लगता कि कौन पल में किस वक्त कौन सा पल आ जाए और जीवन खोना पड़े। जो आपने कहा ना सर, अभी देश के बाहर से आपने 233 सर, ये मैं मुझे काफ़ी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, वो कैसे किया होगा आपने, उसको थोड़ा सा इस बारे में नहीं, ये ऑपरेशन खुखरी था वहाँ पे। अच्छा। इसका नाम ये एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमने वहाँ पे किया, और वहाँ पे रेबल्स थे, और वहाँ पे जब इनको बंदी बना लिया गया तो मैं दिल्ली में था। तो मुझे 5 दिन के नोटिस पे मैं पूरी पलटन को लेके अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा, और वहाँ पे ये ऑपरेशन जो है हमने 15 जुलाई 2000 को हमने ये ऑपरेशन वहाँ पे किया, 5AGR के साथ मिलके, हेलीकॉप्टर्स वालों के साथ मिलके, आर्टिलरी वालों के साथ मिलके, और बाहर की जो सेना है उनके साथ भी मिलके। लेकिन मेन रोल इसमें इंडियंस का था, क्योंकि ज़्यादातर जो बंदी बनाए गए थे वो इंडियंस थे। ओके। इसलिए भारतवर्ष के सरकार ने मेरी यूनिट को जो है 5 दिन के नोटिस पे वहाँ भेजा, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय थे, और 14-15 जो थे बाहर के देश के थे। और जो बाहर के देश थे उन्होंने हेलीकॉप्टर दिए, लेकिन उनकी कंडीशन यही थी कि सबसे पहले आप हमारे देश वासियों के जो है उनको बाहर निकालेंगे, जो इंग्लैंड के, तो ये करके। और जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला, जब हमारी बारी आई तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर निकाल लिया। तो हमको ग्राउंड 50 किलोमीटर लड़ते लड़ते वहाँ जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर से लोगों को गिराना पड़ा, जहाँ उनको घेराबंदी कर रखी थी वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा। आती बार हम अंबुश भी हुए, हम मेरा एक हवलदार किशन कुमार था जिसको कि रॉकेट लॉन्चर लगा और वो शहीद हो गया, खोना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद भारत सरकार ने इसको माना, और उस टाइम रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, और धन्यवाद करने के लिए वो हमारे पास वहाँ सिरालियोन भी आए थे। तो इस तरह के बहुत मुश्किल ऑपरेशन, आप अंदाज़ा लगाइए 40 किलोमीटर अंदर जंगल में जाके, और अनजान जगह, अनजान देश, देश से बाहर जाके करना। बिल्कुल। तो ये सारा टीम वर्क है, और ये जवानों की मेहनत है, उनका मोटिवेशन लेवल है। हाँ, ये अलग बात है कि जो कमान थी वो मेरे हाथों में थी। जी जी, मेरे यूनिट की। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा ये भी ऐसा होता है कि चलो, जैसे आपने कारगिल के समय भी आप रहे, तो आगे आपके लीडरशिप पर भी थोड़ी सी दम होता है कि यार ये इंसान जरूर इसमें सक्सेस हो, एक विश्वास वाला हो जाता ना। हाँ, वो भी एक बात है कि यूनिट ने अच्छा काम किया था, दूसरा ये था कि भाई यूनिट ने अच्छा काम किया है तो इनको एक विदेश में भेजा जाएगा। जी जी। लेकिन हालात उस तरह से बिगड़ गए कि वहाँ पे भी युद्ध करना पड़ा। आपको आइडिया था पहले कि इतना डीप जाएगा ये वॉर, जब आप जाने की बारी आई थी आपकी विदेश जाने? ना ना ना, कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में। वो तो वहाँ जाके पहले और छोटे छोटे ऑपरेशंस किए, उसके बाद जो हमारे फोर्स कमांडर थे और इंटरनेशनल लेवल पे UN जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है DPQ, वो इन चीज़ों को अप्रूव करता है। तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक जो है, एक जिसको युद्ध बोल सकते हैं या ऑपरेशन बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल, डेफिनेटली। क्योंकि इसमें दूसरे लोगों के थे, जैसे नाइजीरिया था, घाना था, या दूसरे और छोटे छोटे, लेकिन बहुत कम लोग थे, उन मात्रा में थे, एक सिंबॉलिक थे वो, सिंबॉलिक। अच्छा सर, जैसे एक ना मेरा एक सवाल है अपना पर्सनल, या लोग भी शायद जानने के लिए उत्सुक होंगे, कि जैसे कभी कोई अपना कोई वॉर में है कोई सैनिक, और या किसी भी परिस्थिति में है, और उसके घर पर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस तक बात पहुंचाने का क्या प्रोटोकॉल रहता है, और मतलब क्या होता है उस समय? नहीं, आपके इमरजेंसी का मतलब कोई शहीद होता है, कोई घर में कोई किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया? नहीं, मैं समझा नहीं, घर में डेथ होगी या किसी जवान की वहाँ पर डेथ होगी, घर में बताना है?
चलो दोनों कर लेंगे, पहले तो ऐसा है कि उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है जिसको उस तक बात भी पहुंचानी है। नहीं, घर से तो अब आज का ज़माना तो मोबाइल का ज़माना है, अगर उसके घर में अगर हो गया, मैं बताऊं, मैंने जो है ब्रिगेड जो है द्रास में कमान की, मैं उदाहरण देता हूं आपको, और वो पूरा हाई एल्टीट्यूड का एरिया है वहां पे और बहुत मुश्किल इलाका है, और 6 महीने के लिए जवान जो है ऊपर विंटर जो कट ऑफ पोस्ट है वहाँ पर चला जाता है। और कई बार ऐसे सिचुएशन है कि घर में पिताजी की डेथ हो गई है, हमने कोशिश की कि उसको हेलीकॉप्टर से उतारा जाए, लेकिन वहाँ पर हेलीपैड नहीं है, हम उसको नीचे नहीं ला सकते क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर आ जाएगा अगर वो तो घर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उसके साथ एक पेट्रोल जो 10-15 आदमी है वो भी साथ चले जाएंगे। और मुझे याद है मेरे पास एक कैप्टन साहब थे डॉक्टर, उनकी शादी जो है पठानकोट में वो फिक्स हो गई और घर वालों को लगा कि शायद लड़का जो है मुकर रहा है, ये शादी करने के लिए नहीं आना चाहता है। और लड़के के फादर ने मुझसे बात की है कि यहाँ तो मेहमान भी आ गए हैं और लड़की वाले, उनको लग रहा है कि लड़का शायद नहीं आएगा। तो मैंने उनको समझाया फ़ोन के ऊपर कि देखो लड़का सुरक्षित है, लड़के को कुछ नहीं हुआ है, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ ग्लेशियर के इलाके से इसको मूव कराता हूँ तो बहुत मुश्किल है, 2-3 दिन मौसम ख़राब है, शादी को आप बदली कर दीजिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर का मौसम, कई पोस्ट पे तो हेलीकॉप्टर में नहीं जाता था, बिल्कुल, लकीली इसकी पोस्ट में हेलीकॉप्टर जाता था, तो जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर होगा मैं इसको बाहर निकालूंगा, तब जाके उन्होंने विश्वास किया, अदरवाइज उनको लग रहा था कि लड़का नहीं। और वो ऑफिसर भी बिल्कुल क्या बोले, मतलब वो बहुत दुखी था, मुझे कहता कि सर मैं तो निकल रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, अदरवाइज वहाँ पर गड़बड़ होगी। फिर उसे भी काउंसिल करना पड़ा, घर वालों को भी काउंसिल करना पड़ा, और शादी के जो मेहमान वगैरह है समझा के वो शादी 1 हफ्ते के बाद हुई। इस तरह किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो जरूरी नहीं पहुंचाए, अदरवाइज फौज कोशिश करती है कि उसको छुट्टी दे जाए और अपने घर को अटेंड कर पाए, लेकिन बहुत सारे समय में छुट्टी भी नहीं दी जा सकती। मैंने कहा हाँ कि हर बाप चाहेगा अपने बच्चे के स्कूल में जाऊँ मैं, जो भी पेरेंट्स की मीटिंग होती है अटेंड करूँ, एनुअल फंक्शन अटेंड करूँ, होली में जाऊँ, उस तरह से नहीं, क्योंकि बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी है। बिल्कुल, जहाँ तक अगर सैनिक शहीद होता है जी, तो ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि 34 शहीद मेरे उस समय हुए, ये न्यूज़ घर वालों को बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फौज की एक प्रक्रिया है, हायर हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर्स हैं, स्थानीय जगह पे आपने देखा किस तरह एक बड़े सम्मान के साथ कोई भी सेना का जवान शहीद होता है वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और उसकी जो भी धनराशि जो भी उसको इमीडिएट दी जा सकती है वो दी जा सकती है, और बहुत एक बहुत बड़ा ऑनर दिया जाता है, जगह जगह उसको रिसीव किया जाता है, चाहे दिल्ली में आए गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन जो और वहाँ लड़ाई में भी जैसे 34 मेरे शहीद हुए, उनको बहुत एक इज्जत के साथ और पूरा उनको कॉफिन में डाल के पूरा उनको सलामी दे के विदा किया जाता है सम्मान। और बिल्कुल इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊँ कि तोलोली टाइगर हिल की लड़ाई में और एक ग्रेनेडियर रतन चंद था मेरा जवान, वो 5 जुलाई को टाइगर हिल की लड़ाई में उसकी बॉडी जो थी क्रेवेसिस में नीचे बर्फ में नीचे नाले में चली गई, कोई 700-800 मीटर नीचे, और वो मुझे 10 दिन तक नहीं मिली। और हम जब इस तरह कहो, हम घर हमें मालूम है वो मर चुका है, लेकिन हम घर में नहीं बोल सकते वो मर चुका है, हम बोलेंगे उसको मिसिंग इन एक्शन कि मिसिंग है। और उसकी वाइफ उधमपुर में थी शायद, वो मुझे कई बार रिंग किया उसने कि मेरा पति क्या हालत है, हम नहीं बता सकते, हमें पता है दिल में कि ये ऐसा हुआ है। मेजर राजेश अधिकारी 50 गज पे मैं दे सकता हूँ, उनकी बॉडी पड़ी है, लेकिन ऊपर दुश्मन बैठा है, नीचे हम हैं, ना वो उठा पा रहे हैं ना मैं ला पा रहा हूँ, इस न्यूज़ को मैं नहीं दे सकता कि वो नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मिसिंग इन एक्शन है, जब वो उनको तोरोलिंग टॉप पे हमला करके हमने किया तब हमने डिक्लेयर किया कि, और उसकी बॉडी जिस दिन मिली तब हमने उनको डिक्लेयर किया। तो इमेजिन करिए सेना की जो एज ए कमान अधिकारी क्या हालत होगी, और परिवार जिसका सबसे बड़ा दुख है उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो ये बहुत मुश्किल है दोनों तरफ से कि अगर बॉर्डर पे जवान शहीद होता है, लड़ाई में शहीद होता है, किस तरह से उस खबर को ब्रेक करना है और किस तरह से उसको बंदोबस्त करके आखिर तक जहां तक पहुंचाना है, ताकि वो पूरे मान सम्मान के साथ जो भी उसने अपना बलिदान दिया है देश के लिए उसको एक्नॉलेज किया जाए। बिल्कुल सर, आप बहुत एक धर्म संकट वाली बात भी आ जाती है इसमें कि किस तरीके से आपको बताना भी है लेकिन उस तरीके से भी नहीं बताना है कि सामने वाला टूट ही जाए, है ना सर। तो चलिए इससे मुझे एक और सवाल आया सर, हो सकता है थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल हो,
जब कोई भी हम युद्ध जीतते हैं या कारगिल युद्ध हो गया या कोई भी बड़ी वॉर जीतते हैं, उसमें सैनिक भी सही शहीद होते हैं और भी लॉसेज होते हैं, लेकिन जैसे कोई अगर युद्ध हम आपने जीत लिया तो उसमें पहली खुशी आपको क्या होती है? युद्ध के जीतने की खुशी या अपने साथियों को खोने का गम? नहीं, ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। इसका कोई सीधा सा वो आंसर नहीं है। जी 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 जी। लेकिन मैं इसको दो पहलुओं में कहूँगा कि एक तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है, देश की रक्षा और सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। और एक सैनिक जो है इसी दिन के लिए जीता है क्योंकि देश और देशवासियों ने आपके ऊपर वो विश्वास किया है। मुझे खुशी तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं प्राइड कहूँगा कि प्राइड ज़रूर है कि इन 34 जवानों ने मेरी कमान में, मेरे हुक्म में, जो देश की और देशवासियों की जो आशाएं और अपेक्षाएं थी, चाहे वो टाइगर हिल, चाहे तोलोलिंग को जीतकर जो कि सबसे मुश्किल चोटी दराज सेक्टर में थी, किया, उसका मुझे बहुत प्राइड है, गौरव है। और मैं कितना भी उनको करूं, मैं उनको कभी भुला नहीं सकता हूं और हमेशा इस काम के लिए उनका ऋणी रहूंगा। जहां तक व्यक्तिगत बात है, इसके बराबर दुखी नहीं हो सकता क्योंकि उनके साथ हम बड़े हुए, पले हुए, साथ खेले, साथ लड़ाई की, समझे, पूरा जीवन गुजार दिया। ऐसे साथियों को, ऐसे परिवारों को खोना, इससे बड़ा दुख आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। और ये दुख हमेशा जो है आपके साथ जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन एक कमान अधिकारी के नाते लड़ाई के दौरान में एक कमान अधिकारी को एक ब्रेव फ्रंट जो है वो दिखाना पड़ता है और अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं मारना पड़ता है क्योंकि एक जो टास्क है, जो मैंने कहा, जिस जो ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण है। और आखिर में चलो 34 जवान इस लड़ाई में जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन उनकी बहादुरी को देश ने सराहा। देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सबसे ज़्यादा जो वीरता पुरस्कार है मेरी यूनिट को दिए गए हैं, जिसमें थिएटर ऑनर कारगिल, बैटल ऑनर्स तोलोलिंग, बैटल ऑनर्स टाइगर हिल, यूनिट साइटेशन, एक परवीर चक्र हवलदार योगेंद्र यादव, दो महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल और इस तरह बहुत सारे जो वीरता पुरस्कार है मुझे मेरी यूनिट को दिए हैं, जो कि वो भी एक बहुत गौरव की बात है। और वो यूनिट का एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, एक विरासत है। और उस विरासत मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा भागीदारी जो जिन जवानों को हमने खोया है उनकी है और उनके साथ साथ उनके परिवारों की भी है क्योंकि सिर्फ एक सैनिक ही इसमें शहीद नहीं होता या उसको वो ही नहीं जाता, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको भी एक बहुत बलिदान ही समझिए आप उनके लिए, जो 25 साल जैसे उन्होंने गुजारे हैं। और बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं कि जिन्होंने बच्चे हुए थे उनके मुंह तक नहीं देखे थे और कुछ बच्चे उनके शहीद होने के बाद हुए हैं और आज वो 25 साल के बड़े हो गए हैं, तो उनका भी योगदान बहुत बड़ा है जो कि हमें समझना होगा। तो मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और इससे ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ। जी जी। लेकिन इसलिए यही कहूँगा कि एक प्राइड तो मैं ज़रूर फील करता हूँ और कहीं ना कहीं दुख जो भी है वो तो रहेगा, लेकिन आखिर में अब 25 साल के बाद लगता है कि अब जिस तरह से आज पूरा देश उनको याद कर रहा है तो एक खुशी की भावना भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि साथियों के साथ बहुत पहले से घुलना मिलना होता है, तो सर मैं कुछ ना कोई किस्सा है क्या, कोई जैसे कोई आपका कोई पुराना साथी हो बहुत समय से लेकर, या वॉर के दौरान भी नहीं तो वैसे भी आर्मी में कोई किस्सा, कोई कॉमेडी किस्सा, मज़ेदार किस्सा रहा हो, किसी के साथ अच्छी दोस्ती का किस्सा रहा हो, कुछ है किसी के साथ ऐसा कोई? नहीं, एक तो मैं चलो एक मुश्किल किस्सा मैं ज़रूर बताता हूँ और को चलो लाइटर किस्सा पहले बताता हूँ कि जी। इस लड़ाई में 22 दिन हम मुश्किल हालात में थे और ऐसे हालात में कि जब यही नहीं मालूम था कि दुश्मन कितना है जी, और जबकि उसकी आर्टिलरी, उसके रॉकेट लॉन्चर, उसकी मशीन गन है सारी उन जो पहाड़ियों में हमारे ऊपर थी। और शुरू शुरू में डर लगता है, शुरू शुरू में जब लगता है, लेकिन बाद में आपको एक रूटीन सी लगती है। तो एक मैं था और एक मेरे साथ कैप्टन करमवीर सिंह थे, तो हम चलता रहता था, बीच में फायरिंग चलता रहता, तो सडनली उसके फायरिंग आया आर्टिलरी का, तो वो स्मोक फायर कर रहा था, तो कहता सर आज ये तो स्मोक फायर कर रहा है, आज तो ये एच ई फायर कर ही नहीं रहा है।
और ये क्या बात है, इसके बाद अमुनिशन कम हो गया यार, क्या हो गया, और वो एच चीज जो था वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने पड़ रहा था। अच्छा। हाँ, वो हाई एक्सप्लोसिव फायर नहीं था, सिर्फ स्मोक फायर था। तो मैंने कहा ऐसे मजाक में कहा शायद उसका यार एच खत्म हो गया, वो नहीं कर रहा है। तो हमने मजाक मजाक में कह के हमने तकरीबन वहाँ से कोई 40-50 गज जो हमने कहा वो जगह बदली उन जिस पत्थर के पीछे हम, क्योंकि पत्थरों के बीचों में ही रात निकलती थी हमारी। बिल्कुल। कोई वहाँ पे कोई टेंट या कोई कुछ कुछ नहीं, और बर्फ़ में बिल्कुल माइनस डिग्री में बर्फ़ का ही पानी पी के पत्थरों के बीच में उसके स्नाइपर को बचाते हुए बिल्कुल करते, कुछ नहीं था। तो हम 50 गज गए और आप विश्वास नहीं करते, जैसे हम वहाँ पे गए और उनके जो है भारी आर्टिलरी की अच्छी की फायरिंग है, जहाँ पहले थे जहाँ स्मोक गिरा तो वहाँ पे गिरा। और तो अब आप इसको आप बताइए, इसको सीरियसली समझे या मजाक में समझे कि हमने सोचा ये आज स्मोक क्यों फायर कर रहा है, और था हम थोड़ा साइड में हो गए और उस तरह से बच गए। तो इस तरह से बहुत सारे क्षण हैं। और रोटियाँ जो थी वो बोरियों में आती थी। अच्छा। वो 4-5 दिन वही रोटियाँ खाते रहो, तेल कई बार आधा छलकते गिरते पड़ते ऊपर पहुंचता था, लेकिन जलाएं कहाँ, वो गड्ढा करोगे, थोड़ा सा स्टोव जलाया गर्म जैसी कर ली तो चल पड़ता था। थोड़ा ही भी डर होता था कि धुआं निकल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है कि कर्नल विश्वनाथन जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जो इस लड़ाई में शहीद हुए, पूरी कारगिल की लड़ाई में सबसे सीनियर मोस्ट थे और बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, और मेरे 2IC थे, सेकंड इन कमांड थे जी जी। कश्मीर में भी मेरे साथ थे, बाकी जगह जितने भी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में भी बिल्कुल कंधा सा मेरा मिला के आगे थे। हालांकि 2IC को लड़ाई में प्रत्यक्ष के तौर पे आगे आने की ज़रूरत नहीं, हो पीछे लॉजिस्टिक या एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम है जी जी जी। जब हमने फाइनल जो हमला हमने किया और इस लड़ाई में उन्होंने सबसे आगे वो रहे, और जब वो एक बर्बाद बंकर था, जो आखिरी बंकर था जो रह गया था, उसमें जब वो लड़ाई में शहीद हो गए और दुश्मन का काफ़ी फायर हमारे ऊपर आ गया, और जब हमारे तकरीबन इसमें 7 जवान जो है उसमें घायल हो गए। और देखिए, कर्नल विश्वनाथन उस एक दिन पहले हमारे पास, उस टाइम तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, सेटेलाइट फ़ोन आते थे जी 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 जी। तो मैंने कहा विशु, अपने उसकी वाइफ जो थी मऊ में रहती थी मध्य प्रदेश, मैंने कहा बात करनी है तो कर ले। कहता नहीं सर, पहले जवानों को आप बात करने दीजिए, जब ये ख़त्म कर लेंगे बात करके तब मैं बात करूँगा। क्या बात है। और देखो, भाग्य की विडम्बना देखिए कि वो ठंड की वजह से वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई और उनकी बात जो है अपने वाइफ से नहीं हो पाई, और अगले दिन जो है वो इस लड़ाई में जो है वो और शहीद हो गए। शहीद हो। और फिर हम उनको खींच के पीछे लाए और उस तरह की मेडिकल एड भी नहीं दे पाए, क्योंकि पत्थर के नीचे लाए, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उनको मैंने अपने गोद में रखा, सहलाते रहा करके, और उन्होंने वहीं जो है मेरी गोद में प्राण त्याग गए। तो ये घटना जो है ये इसको मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। एक छोटा भाई जो सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर, हम दोनों साथ आए, मैं कैप्टन था वो लेफ्टिनेंट थे, तो हमने तकरीबन सारी जो जीवन था वो साथ निकाला था, और उनको इस तरह से मेरे गोद में जो है वो शहीद हो गए। तो इस घटना को तो मैं कभी नहीं भुला पाऊँ। याद आती होगी आप इस घटना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ किस्से होते हैं सर ऐसे जो कि हमें आजीवन याद आते रहते हैं बीच बीच में। बिल्कुल। तो बल्कि एक और घटना, जब आपने वाले एक मेजर राजेश अधिकारी थे जी, वो मैकेनाइज के थे, 2 मैकेनाइज के, और उन्होंने जून में जाना था, वो सिर्फ मेरे पास एक साल के लिए आए थे, और जून में लड़ाई मतलब थी, और मतलब जून में चले ही जाना था उन्होंने, वो मैकेनाइज के थे, लड़ाई लग गई यहाँ, और उनकी नई नई शादी हुई थी, अभी साल भी उनकी शादी को नहीं हुआ था। जब वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई में थे तो मैं उनसे बात करने की चाह कि भाई ये पूछना था कि भाई कैसा क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, कुछ चाहिए तो नहीं। इसी दौरान जो उनका जो ऑपरेटर था लांस नायक राजेंद्र कुमार, उससे मैंने बात की, और मैंने कहा भाई क्या, तो उसने कहा सर कंपनी कमांडर से तो बात नहीं हो पाएगी, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बात करते करते उनको गोली लग गई, बात करते करते ही। हाँ, उनको गोली लग गई और वो शहीद हो गए, और इतना ही जो वो जो हैंडसेट था वो गिरा उनके हाथ से, और इतना ही बोला ओ माँ, इतना ही आवाज़ सुनी, मतलब मेरे से बात करते करते वो शहीद हो गए। अब आप देखिए, उनकी एक बेटी थी जब वो शहीद हुए तो 3 महीने की, और अभी मैं उस बेटी को भी मिला और उसकी माँ को भी मिला अभी 10-15 दिन पहले, अभी हमारा टाइगर हिल डे था 4 जुलाई को दिल्ली जी, में जी, जी, जी। और वो लड़की भी सेना में आना चाहती है। ओके। एक ही बेटी है, क्योंकि वो पत्नी कहती है कि मेरे घर वाले ने यह कहा था कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो,
उसको हम सेना में ज़रूर भेजेंगे। मतलब 25 साल आप अंदाज़ा लगाइए इस वीर नारी ने कितना मुश्किल झेला होगा, एक ही बेटी है और उसके बाद भी वो सेना में आने के लिए तैयारी कर रही है। ये सिर्फ सेना में ही हो सकता है। ये मतलब मैं सलाम करता हूँ ऐसे वीर नारियों को, ऐसे परिवारों को, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सेना के प्रति, देश के प्रति इतना प्रेम है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है और लोगों में ये चीज़ों की अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है बाकी लोगों में भी, कि आप भी अब देश के लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि आम, देखो सर, हम जैसे आम इंसान के लिए ना, हमें तो ऐसा लगता है कि सेना में अच्छा लड़ाई हो रही होगी तो वहाँ से कितना मुश्किल हो रहा होगा, या तो वहाँ से भागना सबसे बेस्ट होगा हमारे आम लोगों के लिए। लेकिन आर्मी के दिमाग में भागना और उस चीज पलायन करना, वो है, वो वर्ड ही नहीं है दिमाग में। और उनकी डिसिप्लिन ही कुछ इस तरीके से हुआ है कि वो, इसलिए सर सलाम है हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए, मैं तो यही कहता हूँ। और जो हमारे लिए किया है आर्मी ने, हमारे आम जनता के लिए किया है, उसका तो कर्ज शायद आम इंसान कभी चुका ही नहीं सकता सर। नहीं, आप भी देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं और सेना तो मैंने कहा कि हमेशा अच्छा काम किया है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल सर, और चलो सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मेरा भी थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली। अब फिल्मों में तो हम बड़ी चीज़ें देखते हैं, अब सामने, अब असली हीरो के सामने बैठ कर बातें करना, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत रियलिस्टिक चीज़ें सुनने को मिली और बहुत मज़ा आया। और सर, और कुछ कहना चाहते हैं आखिर में हमारी ऑडियंस के लिए कोई संदेश? आपने समय दिया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारी जनरेशन है कि आज जो लड़ाई है या वीरता है, या ये एक रिमोट का बटन नहीं है, आपको देश के योद्धा पैदा करने पड़ते हैं, आपको रणबांकुरें पैदा करना पड़ते हैं, उसको सारे मिलके, देशवासी मिलके, देशवासियों का प्यार, उनका समर्थन, सरकार का समर्थन और जितना भी पूरे देश में अलग अलग जो भी एजेंसीज हैं उनका समर्थन करके, क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी है। जबकि एक तरफ हमारे चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और अगर देश सुरक्षित है तो हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी बाकी जो ढांचा है वो सुरक्षित है। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि सैनिकों का जो परिवार है और उनका जो बलिदान है, उनके प्रति एक आदर और सम्मान की भावना हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो चलिए सर, मैं थैंक यू सो मच, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ आप हमारी पॉडकास्ट में आए। और तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और सर, आपकी कोई इंस्टाग्राम आईडी है या कोई फेसबुक आईडी है आप यूज़ करते हो? हाँ, तो मैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर सर से भी कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो सर से मैसेज कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। भारत माँ की जय। आपका भी नमस्कार। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शोपीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स हैं। तो गाइज, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।